अस्सलाम वालेकुम। आज है 19 अक्टूबर सन 2024 और आप सोच रहे होंगे कि मैं आज किस लोकेशन पर मौजूद हूँ। और अक्सर मैं रेलवे स्टेशन या रेलवे ट्रैक या रेलगाड़ी पर ट्रैवल करता हूँ, लेकिन आज जिस लोकेशन पर मैं खड़ा हूँ ये जीटी रोड है। ये आप जो ट्रैफिक मेरे पीछे देख रहे हैं और ये रावलपिंडी की तरफ से आ रही है और लाहौर की तरफ जा रही है। तो लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो मैं आज पकड़ाला रेलवे स्टेशन पर आज मैं रेल फैनी करूंगा और बहुत ही खूबसूरत ये रेलवे स्टेशन है। तो आज सोचा कि चले पकड़ाला रेलवे स्टेशन पर रेल फैनी करते हैं। तो उसकी जो लोकेशन है आपको या जेहलम या फिर गोजर खान पर उतना पड़ता है और फिर वहाँ से जीटी रोड रास्ता होकर अंदर स्टेशन पर जाना पड़ता है। तो जीटी रोड आप मेरे पीछे देख सकते हैं, तो उसका जो रास्ता है वो भी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। और जो पकड़ाला रेलवे स्टेशन के खूबसूरत नज़ारे हैं और तरकी रेलवे स्टेशन से जब गाड़ी निकलती है तो वो एक बड़ा खूबसूरत कर्व लेकर वो पहुँचती है पकड़ाला रेलवे स्टेशन पर। तो ये तमाम व्यू इंशाल्लाह मैं आपको आज दिखाऊँगा। तो अभी चलते हैं स्टेशन बिल्डिंग पर और अपनी जो रेल फैनिंग है वो स्टार्ट करते हैं। मैं जेहलम रेलवे स्टेशन पर उतरा था क्योंकि मैं रात को आया था वन अप से, और जो हमारे दोस्त हैं असद भाई, अली भाई और मिराज भाई वो टू टाउन से आए थे, और खुशकिस्मती से दोनों का ही जो अराइवल है वो एक टाइम ही हुआ, क्योंकि हमारी जो वन अप थी वो 5 घंटे लेट थी। तो इस वजह से हम दोनों ही एक ही टाइम पर जेहलम स्टेशन पर रुके। तो अभी आपको मैं लोकेशन बता दूं कि जब आप जेहलम से आएँ तो जब आप जीटी रोड पर आएंगे तो किसी से अगर आप कहेंगे हमें जो है वो तरकी स्टॉप के ऊपर उतार दे तो वो आपको उतार देगा, और वहां से सिग्नेचर टेक शॉप है और वहां से ये अंदर जो है वो रास्ता जा रहा है। तो थोड़ा सा ही आगे अगर जाएँगे तो रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग नज़र आ जाएगी। तो ये दोस्तों लोकेशन है, आप भी देख लें, ये जो जीटी रोड है ये आ रहा है जी लाहौर की तरफ और जा रहा है जी रावलपिंडी की तरफ। सामने जो है वो खिते पोटोहार तरकी के पहाड़ भी आप देख सकते हैं। तो अभी ये रास्ता है जी, कुछ चीज़ें हमने ली हैं जो कि हमारे काम आएंगी स्टेशन पर, और ये रास्ता दोस्तों सीधा जा रहा है जी स्टेशन बिल्डिंग के ऊपर। तो दोस्तों सामने आप ट्रैक देख सकते हैं और ये रास्ता है जी मेन से हम अंदर आए हैं पगडंडी से, और छोटी छोटी पगडंडी है तो उससे हम अंदर आए। वो सामने एक खूबसूरत सी मस्जिद, और मस्जिद के साथ ही है जी बकड़ाला की हिस्टोरिकल स्टेशन बिल्डिंग। अच्छा भाई, आज बहुत स्पीड लगा रहे हैं भाई जी, और सामने है जी, हाँ ये है जी खूबसूरत मस्जिद। और छोटी सी पगडंडी से मैं अंदर आ गया हूँ काफ़ी, और अंदर आके सामने आप एक बहुत खूबसूरत मस्जिद देख सकते हैं जो कि बिल्कुल ही स्टेशन बिल्डिंग के पास है, और मस्जिद के पास एक करियाना की दुकान है जहाँ से आप कोल्ड ड्रिंक और कुछ खाने की चीज़ें भी ले सकते हैं। तो सामने है जी स्टेशन बिल्डिंग। तो बाकी का जो व्यू है आपको इंशाल्लाह स्टेशन बिल्डिंग के अंदर जाके मैं दिखाता हूँ। इस टाइम मैं बकड़ाला रेलवे स्टेशन के जो आउटर सिग्नल है वहाँ पर मैं आ चुका हूँ। सामने आप सिग्नल देख सकते हैं, और उसके साथ ही तरकी स्टेशन के पहाड़ भी आपको नज़र आ रहे होंगे, और बहुत ही एक खूबसूरत ये रेल फैनिंग के लिए जगह है क्योंकि जब गाड़ी यहाँ से आती है तो बिल्कुल वो सामने तरके के पहाड़ों के सामने से ये गाड़ी घूमकर एक बहुत बड़ा कर्व लेकर यहाँ से एंटर होती है।
बड़ा प्यारा व्यू यहाँ पर होता है। तो अभी 46 ड्रोन पाकिस्तान एक्सप्रेस आ रही है, तो उसको कैप्चर करेंगे। दोस्तों आज का पहला एक्शन 46 ड्रोन पाकिस्तान एक्सप्रेस जो कि तरकी मोड से अभी गुजरी है, और अभी ये एक कर्व लेकर यहाँ से गुजरेगी। तो बड़ा प्यारा व्यू आप मैं दिखाऊंगा इंशाल्लाह। तो फाइनली दोस्तों 7:30 हो रहे हैं और सामने से आ रही है 46 ड्रोन पाकिस्तान एक्सप्रेस एक खूबसूरत कर्व लेते हुए। और HBU 8039 की पावर के साथ रवाना हुई है जी 46 ड्रोन पाकिस्तान एक्सप्रेस। और सुबह सुबह का नज़ारे, ऊपर सूरज भी। और दोस्तों 8:24 हो चुके हैं और सामने से 102 ड्रोन सुबह खराम एक्सप्रेस आ रही है, सॉरी सुबह रफ्तार एक्सप्रेस G20 के साथ। तो दोस्तों बकराला रेलवे स्टेशन पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर रेल फैनी कर रहे हैं, और यहाँ के जो पुरलुत्फ मुकामात हैं, पहाड़ हैं, उनसे हम इस्तफादा हासिल कर रहे हैं खूबसूरती को देकर। तो मेरे साथ मौजूद हैं असद भाई, रेल नामे पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जी। वाल सलाम असद भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, अल्लाह का शुक्र। असद बहुत शुक्रिया आपका कि आपने आज टाइम दिया एक दफ़ा फिर, और बकराला रेलवे स्टेशन पर हम रेल फैनी कर रहे हैं। तो अस भाई वही क्वेश्चन के बकराला रेलवे स्टेशन के बारे में थोड़ा सा बताएं कि कैसा स्टेशन है और इसकी खूबसूरती के बारे में थोड़ा सा बताएं। यार जहाँ से भाई, बहुत शुक्रिया आपका, मदद किया आपने, और बल्कि आप लाहौर से आए हैं, ज़्यादा दूर से आए हैं, उसके लिए आपका ज़्यादा शुक्रिया। वन ऑफ द ब्यूटीफुल सेक्शन रावलपिंडी लाहौर सेक्शन, दो ब्यूटीफुल मकामात, दो से ज़्यादा भी कह सकते हैं, लेकिन तरक्की और बकराला तरसी हुई निगाहों से ट्रेन से गुजरते हुए देख लेते थे। आज अल्लाह ने वो हमें मौका दिया कि हम यहाँ आकर अपनी रेलगाड़ियों को गुजरता देखेंगे, सोहावा हिल्स की ज्यारत करेंगे और दोस्तों के साथ गपशप लगाएंगे। ये ख़ास मकाम है, राजा पोरस और सिकंदर आजम यहाँ पर झगड़ा हुआ था, गुत्थम गुत्था हुए थे, जिसमें सिकंदर आजम को कहा जाता है कि शिकस्त हुई थी। ये वजह खासियत है इस इलाके की। पोटोहार आपको पता है हमेशा से अट्रैक्टिव रहा है, बिल्कुल ऐसा ही, और इस वजह से हमें हम खींचे चले आए हैं। अच्छा भाई, लास्ट कि जब ये गाड़ी ऊपर से घूमती है तरकी स्टेशन के पास से, वो कैसा नज़ारा है खासतौर रेल फैंस के लिए? सर वर्थ ट्रैवलिंग। मैं पता नहीं बीसियों या दसियों तो नहीं बीसियों सोइयों बार गुजरा हूँ यहाँ से। कोशिश किया कि मैं व्लॉग बनाऊँ, बहुत दफ़ा बनाने की वजह से नहीं भी बनाता। जब ये सेक्शन आता है मेरा कैमरा खुद निकल आता है, इसको ज़रूर रिकॉर्ड करता हूँ। ये अहमियत है इस जगह की, बहुत खूबसूरत है। यानी कि असद भाई का कहना ये है कि ये इतना पुराना इलाका है कि उस वक्त जब जो फौज थी वो थप्पड़ों से लड़ती थी, उस टाइम की ये बात कर रहे हैं। तो बाकी मेरे साथ मेरे एक और दोस्त अली भाई मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? बहुत प्यारे दोस्त हैं ये भी, बड़ी अच्छी रेल फैनिंग करते हैं। तो अली भाई आपका शायद फर्स्ट टाइम इधर बकराला पे है? हाँ जी बिल्कुल। तो कैसा लगा बकराला रेलवे स्टेशन को आप कवर कर रहे हैं आज? यार एक दफ़ा तो आगे से बंदा सुख का सांस नहीं लेता जी, बहुत ज़बरदस्त, मतलब मज़ा आ गया जी, जी बहुत मज़ा आया। मैंने इस तरह का मुकाम अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा जी, दिस वाज माय फर्स्ट टाइम जी। तो अली भाई हमारे साथ मौजूद हैं,
तो अभी चूँकि सुबह का टाइम है तकरीबन 9 बज रहे हैं। हाँ जी। और दो ट्रेन को हमने जो है वो कैप्चर कर लिया है, एक 46 डाउन पाकिस्तान एक्सप्रेस को और एक 102 सुबह रफ्तार एक्सप्रेस को। तो अभी नाश्ते का प्लान है। हाँ जी। और असद भाई बिरयानी लेकर आए हैं, तो सुबह सुबह जल्दी अर्ली पहुंच गए थे तो बिरयानी खाना मकसूद ना समझा। तो अभी देखते हैं कि हमारे दस्तरखान में क्या क्या साथ होता है। एक तो ये लाहौरी लोग नाश्ते में समेत मेरे चावल खाना गुनाह कबीरा समझते हैं, बेशक इनकी अलग से नहीं उतरनी थी वो बिरयानी, लिहाजा वो अब हम कुछ करेंगे उसका एज अ ब्रंच। नहीं तो असभी सॉरी आपकी मैं बात काट रहा हूँ, आपने बिरयानी की हमें आदत डाली है, हरिपुर बंद पे आपने हमें खिलाई थी तो दोपहर का खाना था ना, असल में वो नाश्ता नहीं था, सुबह सुबह चावल नहीं खाए जाते असल में ना। देखें बात सुने, आपका होगा दोपहर का खाना, हमारा ये सुबह का खाना है। तो बहुत शुक्रिया असभी आपका। 9:30 हो रहे हैं और सामने से ए डाउन तेज गांव आ रही है जो कि रावलपिंडी से सुबह 8 निकली है और मंजिल है इसकी कराची वाया लाहौर, और स्टेशन मारसा भी सब्ज झंडी लहरा रहे हैं। G20 लीड के साथ आ रही है जी, और बकराला स्टेशन पास थ्रू होगी। और ड्राइवर साहब का बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमारी मौजूदगी का हमें एहसास दिलाया पावरफुल विसर के साथ। तो ए डाउन तेज़ गांव बकड़ाला रेलवे स्टेशन से रवाना हो चुकी है, तो दस्तरखान हमारा सज चुका है और दस्तरखान में आज ही हमारे पास गर्मा गर्म पराठे और चने, और चने जेहलम के चने हैं जी ये, और साथ में जी दाल फ्राई की है हमने और उसके साथ अचार पानी। तो ये हमारा आज का दस्तरखान है और अभी 10:35 हो रहे हैं और सामने से 101 आप सुबह का रफ्तार एक्सप्रेस आ रही है G20 की क्यादत में और बकड़ाला रेलवे स्टेशन से पास थ्रू होगी अभी। और ये थी दोस्तों 101 आप सुबह का रफ्तार एक्सप्रेस जो कि लाहौर से सुबह 7 निकली है और मंजिल है इसकी रावलपिंडी, और ग्रीनलैंड की 2 कोचेज इसमें ऐड थी। 12:35 हो रहे हैं और अवाम की अवामी एक्सप्रेस आ रही है G20 के साथ, कराची से निकली है और मंजिल है इसकी पिशावर। और बेहतरीन स्पीड, बेहतरीन विसल और बेहतरीन नज़ारों के साथ रवाना हुई है जी 13 अप अवाम एक्सप्रेस।